कांग्रेस सरकार के युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह लगातार अपने बयानों से लेते रहते हैं यूटर्न। सरकार का दायित्व बनता है कि वह कांग्रेस के नेताओं के लगाए गए आरोपों का जवाब जनता को दे। शिमला भाजपा प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार व संगठन के भीतर भारी अंतर्कलह एवं तालमेल की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जिसका खामियाजा हिमाचल प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। धर्माणी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह लगातार अपने बयानों से यू टर्न ले रहे हैं। आज प्रदेश में कांग्रेस सरकार और संगठन के बीच में जिस प्रकार से अंतर्कलह मची हुई है, उसके कारण प्रदेश की जनता निराश और हताश है। प्रदेश का विकास अवरुद्ध हो गया है, रुक गया है। जिस आशा के साथ प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी, उसके अनुरूप सरकार काम नहीं कर रही है और सरकार और संगठन के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है, उसके कारण तरह तरह की भ्रांतियाँ आज जनता के मन में हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने सरकार के ऊपर जो प्रश्न खड़े किए हैं, इसके साथ साथ प्रदेश सरकार के मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री ने जो प्रश्न खड़े किए हैं, उनके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि आज जनता भ्रमित है। जनता को लग रहा है कि उनसे गलती हो गई और उस गलती का खामियाजा आज सरकार के रूप में प्रदेश भुगत रहा है। आज एक और जहां आपदा, प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश की जनता त्रस्त है, लोग तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार और संगठन के बीच में, कांग्रेस संगठन के बीच में तालमेल ना होने के कारण प्रदेश का विकास बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि प्रदेश सरकार इस पर अपना स्पष्टीकरण दे। पहले वह बड़े मुद्दों के ऊपर सरकार को लपेटते हैं और उसके बाद जब कांग्रेस के युवा नेता पर दबाव बनता है तो वह अपने बयान से यू टर्न लेने पर मजबूर हो जाते हैं। सरकार के युवा मंत्री ने माना कि सरकार में और अफसरों के बीच तालमेल की कमी है, जो कि स्पष्ट है और इसके बारे में हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री ने भी बयान दिया है कि तालमेल के बगैर सरकार नहीं चल सकती। उन्होंने कहा कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता प्रतिभा सिंह केंद्रीय नेतृत्व से मिली और वहां पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल नहीं है। पूरे आपदा की कठिन घड़ी में मुख्यमंत्री कांग्रेस की अध्यक्षता को अपने साथ लेकर ही नहीं गए। प्रतिभा ने कहा कि 7 महीने बीत गए हैं और 7,000 करोड़ का लोन इस सरकार ने ले लिया है। कुछ और मंत्री कुछ और बोलते थे, इसके कारण हिमाचल के बागवानी को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश से विनोद चड्ढा की रिपोर्ट।